तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं यमुना के बीचों बीच सटे इलाकों की, और ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों से पूछ रहे हैं जहां जानवर फंसे हैं, इंसान हैं, उनको बाहर लाने के लिए। ये तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये जैतपुर इलाके में हैं और ये खड्डा कॉलोनी के आसपास का पूरा इलाका है जहाँ हम बोट के जरिए अंदर आए हैं एनडीआरएफ के साथ। बेहद ही डरावनी तस्वीर इसलिए भी कहा जा सकता है कि एक तो तारे हैं, संकरे रास्ते थे, पानी उसके बीचों बीच है, वोट के जरिए मैन्युअली उनको बाहर लेके आना। और आप तस्वीरें देखिए, ये कितनी परेशानियों के बीच में एनडीआरएफ अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बाहर ला रही है। इस वक्त हम बीचों बीच हैं, मैं चारों तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोग पानी का अंदाज़ा लगाएंगे कि पानी किस कदर है और किस तरीके से पानी का बहाव एकाएक कॉलोनियों में घुसता चला गया। आप तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कितनी खतरनाक या परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। चारों तरफ ये 10 फुट के करीब जिस तरीके का पानी है, और हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो यमुना का जलस्तर और उससे सटा बिल्कुल ये इलाका है। और ये कश्मीर तस्वीर देखिए, ये देखिए तस्वीरें देखिए, मुश्किलें कितनी होती हैं ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि ये दीवार है, कई मुश्किलें हैं और लोगों को निकालना भी है। तो एनडीआरएफ ये तमाम कोशिशें कर रही है, और ये देख के आप अंदाज़ा लगाइए 10 फुट से ज़्यादा ये गहरा पानी है, और उसके बाद लगातार लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो नहीं निकले उनको बाहर निकालने का काम एनडीआरएफ कर रही है। इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख के अंदाज़ा लगाइए कि किस जगह मैं मौजूद हूँ और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है और किस तरीके से दिल्ली के हालात हैं। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश सिंह, शरीफ, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।